प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज ब्रिजकिशोर कुमार पंडित। आप सभी को मेरा चैनल ब्रिजकिशोर बेस्ड क्लास पर तह दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको पाठ दो में जानते हैं क्या पढ़ना था? 12वीं क्लास के फिजिक्स में पाठ दो में आपको पढ़ना था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। उसके बाद दोस्तों आपको जानना था इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइनें, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद आपको पढ़ना था गॉस प्रमेय और उसके बाद आपको जानना था एप्लीकेशन ऑफ गॉस प्रमेय। तो कुल मिलाकर पूरा टॉपिक मैंने आपको बता चुके हैं और साथ ही दोस्तों आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो एक चीज और उसमें ऐड किए हैं जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो पार्ट दो का ऑब्जेक्टिव भी कुछ बताए हैं जो आप अच्छे तरीके से देखे होंगे। और जानते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद हमें क्या करनी चाहिए, हमें कुछ न्यूमेरिकल बना लेनी चाहिए, क्योंकि पार्ट दो से जो भी न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में पूछे आप आराम से बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो बात पर आपको ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहला बात कि उस न्यूमेरिकल में क्या हमें निकालनी है और क्या दे रखा है और किस फॉर्मूला से निकाल लेनी है, इस बात को दिमाग में आपको रखना होगा। दूसरी बात, आप इस टॉपिक के न्यूमेरिकल बनाएंगे, पाठ दो का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पाठ दो के लिए जितना भी आपको सूत्र बताए हैं जो व्यंजक के रूप में मिला हो उसको दिमाग में आप रखे होंगे, तब जाकर आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। या दोस्तों, आप अगर पिछले वीडियो नहीं भी देखे हैं अच्छे तरीके से, तो मैं न्यूमेरिकल बताने के पहले सबसे पहले उस टॉपिक में जितना आपको फॉर्मूला मिला है सारे फॉर्मूले के सूत्र को मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद बारी बारी से मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, आपका न्यूमेरिकल बनाने का शैली काफी ऊपर उठ जाएगा और पेपर में न्यूमेरिकल मिलने के बाद भी आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक काम करते हैं कि देखिएगा, फॉर्मूला पहले बताने जा रहा हूं तो आपको मालूम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिला था, यानी ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अब बटा क्या क्यू नट, आपको ये बताए हैं। दूसरा फॉर्मूला परिमाण के रूप में लिखना हो तो E बराबर F बटा यहां पर सिर्फ क्यू नट दे देंगे। तीन नंबर में जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है, तो E बराबर याद रखिएगा 1/4πε0Q/r² होता है। चार नंबर में हम जानेंगे क्या कि यानी अति लंबे बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर लेमडा बटा 2πε0 r होता है। इसको आराम से याद रखिएगा, काफी बेनिफिट इससे मिलेगा आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तो, यानी E बराबर लेमडा बटा 2πε0 r। आइए दोस्तों, पांच नंबर में क्या जानना है दोस्तों, जानते हैं क्या जानना है, यानी एक प्लेन शीट के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो E बराबर छोटा सिग्मा बटा 2ε0 होता है। और दोस्तों, 6 नंबर में गॉस का प्रमेय फाई बराबर जानते हैं क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात होता है, क्यू बटा एप्साइलेंट नॉट होता है। और 7 नंबर जानते हैं विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों एक बार और रिकॉल कर लिया जाए ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में काफी मजा आए। तो कहता है 1 नंबर, यानी ई वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर बटा क्यू नट, क्यू नट क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। ई बराबर एफ बटा क्यू नट वेक्टर के रूप में लिखे हैं यहां पर, और यहां पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण के रूप में लिखे हैं। अब देखिएगा यहां पर ए अला 3 नंबर, अगर कोई चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लगानी हो तो E बराबर 1/4πε0Q/r, Q क्या हो, पॉइंट चार्ज हो। 4 नंबर ए देखिएगा, कहेंगे ए भी E का फॉर्मूला, ए भी E का फॉर्मूला, लेकिन नहीं, यहां पर देखिए हम क्या बोलने जा रहे हैं, यानी अति लंबे बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो E बराबर लेमडा बटा 2πε0 r होता है। ए देखिएगा, एक अनंत समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो E बराबर छोटा सिग्मा बटा 2ε0 होता है। और गॉस का प्रमेय फाई बराबर क्या होता है, तो क्यू बटा ε0 होता है। और 7 नंबर ऑब्जेक्टिव फाई यानी विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है, जो आपको अच्छे तरीके से अब याद हो गया होगा। आइए न्यूमेरिकल बनाते हैं।
यहां पर सबसे पहला नोमेरिकल आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा हमें क्वेश्चन दिया रहे तो हम कैसे बनाएंगे, आइए। कहता है कि किसी बिंदु पर स्थित, किसी बिंदु पर स्थित, किसी बिंदु पर स्थित एक माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित कण, आवेश से आवेशित कण, आवेशित कण 1.5 मिली न्यूटन बल का, या विद्युतीय बल लिख सकते हैं, बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, करता है, तो उस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करें, का परिमाण ज्ञात करें। दोस्तों एक क्वेश्चन काफी मस्त है, आपको देखने में भी लग रहा होगा कि किसी बिंदु पर स्थित एक माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित कण 1.5 मिली न्यूटन बल का अनुभव करता है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपको लगता होगा कि 1-2-3 लाइन का है, फिर कैसे बनेगा इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन यही है जो एक लाइन में बन जाएगा। आप आराम से बोर्ड पर देखते रहिए। यहां पर देखिएगा, ये टेस्ट चार्ज है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं, यानी टेस्ट जो चार्ज दिया है, जिसको क्यूनट से लिखते हैं, कितना दिया है, 1 माइक्रोकूलम दिया है। तो 1 आ माइक्रो को हटाने के लिए 10^-6 से गुना, यानी कितना होगा, 1×10^-6 कूलम होगा। और कहता है आवेश से आवेशित कण 1.5 मिली न्यूटन बल का अनुभव करता है, यानी जो विद्युतीय बल दिया है, जो विद्युतीय बल दिया है F=1.5 मिली न्यूटन। दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं का, 1.5×10^-3 न्यूटन। तो कहता है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, यही ना फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, E = क्या होगा, F/Q0। तो E = F, तो F का मान कितना होगा, 1.5×10^-3 Q0, जो टेस्ट चार्ज है कितना है, 1×10^-6। तो E = क्या होगा, 1 में इतना से भाग देंगे तो 1.6×10^-3, ये माइनस से ऊपर जाएगा +6, तो E = क्या होगा, 1.5×10^ घटा लेंगे तो 3, और इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन कूलाम इन्वर्स होगा। तो दोस्तों यही रहा आंसर, यही आपका फाइनल रिजल्ट रहा। तो मुझे उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप आराम से बना सकते हैं। अगर एक बात कर दे कि यहां पर हम दे दे 2 माइक्रोकूलम, देखिएगा ये आपका वर्क बनता है कि आप करेंगे, और यहां पर हम दे दे, यहां पर हम दे दे 1, यानी यहां पर दे दे 2.5 मिली न्यूटन दे दे, का इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं तो जरूर करिएगा। चार्ज की जगह 2 माइक्रोकूलम लिख लीजिए अगला क्वेश्चन में, और यहां पर कितने बल लिखिएगा, 2.5 मिली न्यूटन का बल लिख दीजिएगा, और तब जाकर उस पॉइंट पर निकालिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, उम्मीद है कि जरूर इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए मैं इसको मिटका सकता हूं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए, एक टाइप का तो क्वेश्चन मिल गया जो आप सीख गए, अब चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन गॉस लॉ पर बताने जा रहा हूं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और दुर्गा प्रसाद में पार्ट 2 का 12 नंबर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल का बताने जा रहा हूं, जाकर देख लीजिएगा किताब होगा तो। कहता है एक बक्से के बाहर की ओर, देखिएगा एक बक्से के बाहर की ओर कुल विद्युत फ्लक्स
फाई बराबर 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स है। तो ए नंबर जानते हैं क्या कहता है, कहता है बक्से के भीतर कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब बी नंबर कहता है, क्या कहता है कि अगर बक्से के बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो, विद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो, का मान शून्य हो, तो आवेश यानी बक्से के अंदर आवेश के बारे में क्या कहेंगे। चलिएगा एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन है ना भाई। कहता है एक बक्से के बाहर की ओर कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स है। तो बक्से के भीतर कुल आवेश क्या होगा। दो नंबर, अगर बक्से के बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो तो आवेश के बारे में क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे इसको। तो चलिए आते हैं इसका आंसर, देखिए ना कितना आसान है। यानी कुल विद्युत फ्लक्स फाई ए नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो फाई कितना दिया है 8×10³ दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। कहता है कि बक्से के भीतर कुल आवेश क्या होगा, यानी क्यू बराबर हुआ तो बताइए, तो गॉस प्रमेय के सूत्र से या गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं तनी बताइए, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, यही ना जानते हैं, हमें तो चार्ज निकालना है, तो Q बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का मान 8.85×10^-12, ए हम क्या लिख दिए भाई, जो फाई है ना, तो फाई का मान 8×10³ आ गुने भाई जोन एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, इसका तो मान जानते ही है 8.85×10^-12, इधर गुना कर ले चलेगा ना। तो हई देखिए आराम से गुना करना है 8.85, हमें 8 से गुना कर देना है। चलिए गुना करने तो जरूर आता होगा, 8×5=40 की जीरो हासिल कितना होगा 4, 64, 8×8=64, 4, 64, 65, 66, 67, 68 के 8 हासिल 6 न हुआ, यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, अति हासिल 6 हुआ तो 8×8=64, 64×6 कितना होता है 70 होता है, यानी 70.8 आ गुने हई देखिए अभी पावर का हिसाब किताब बाकी है, तो 10³ आ गुने 10^-12। चलिए तो क्या करेंगे तनी बताइए, तो यानी आधार समान है तो पावर को यहाँ पर घटाएंगे, तो 10^ कितना होगा -9। आज देखिए चार्ज निकाले तो आवेश का ये सही मात्र क्या होगा कूलम, ये तो बनिएगा यार, यही रहा आपका फाइनल आंसर, किस लिए मतलब एक नंबर का आंसर है। बी नंबर देखिए ना क्या कहता है, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की बात है। कहता है अगर बक्से के बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा तो आवेश के बाद आवेश तो जीरो होगा, तबे तो फ्लक्स का मान जीरो होगा, या यहां पर तो ऐसे कहता है कि फाई बराबर जो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है, कहता है फ्लक्स से जीरो है तो चार्ज क्या होगा, चार्ज तो जीरो होगा ना, चार्ज क्या होगा जीरो होगा। तो ये इसके लिए फाइनल रिजल्ट रहा, या तर्क पर आप बता सकते हैं कि अगर यानी क्या फ्लक्स का मान शून्य होगा तो आवेश के बारे में क्या कहेंगे, आवेश क्या होगा जीरो होगा। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, तो चलिए इसको मैं मिटका दूं क्या, चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन आज सीख लेते हैं तब ना मजा आएगा। तो बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताने चल रहे हैं, आप देखते रहिए, दिमाग बोर्ड पर से नजर मत हटाइएगा। कहता है क्या कहता है भाई, देखो कहता है कि 3 कूलम के आवेश से
तीन मीटर की दूरी पर, तीन कुलाम के आवेश से तीन मीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी लिख सकते हैं, विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं कि गणना करें। चलिए यहां पर गणना मरना बैठाना है, तो चलिए Q कितना दिया है, तीन कुलाम, और दूरी कितना, तीन मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E बराबर का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहां पर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, नौ गुने दस के पावर नौ, आगुने चार्ज कितना है तीन, अब बटा भाई देखिए आर स्क्वायर मतलब तीन का होल स्क्वायर, तो क्या होगा जी, तीन का स्क्वायर यानी नौ से नौ कैंसिल, तो कितना होगा, तीन गुने दस के पावर नौ, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन कुलाम इनवर्स होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा जी, तीन गुने दस के पावर नौ न्यूटन प्रति कुलाम या न्यूटन कुलाम इनवर्स होगा। अगर इसका फिगर बनाना चाहते हैं तो कोई बिंदु आवेश से यहां पर क्यू है जो कितना दिया है, तीन कुलाम, और इससे तीन मीटर की दूरी पर यहां पर कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो कितना होगा, तीन गुने दस के पावर नौ न्यूटन प्रति कुलाम होगा। तो मुझे लगा कि दोस्तों इतना ही जरूर आपको याद हो गया होगा, आप कब किसके लिए फॉर्मूला बनेगा ये भी आपको मालूम हो गया, साथ ही हम तीन टाइप का क्वेश्चन आपको बताएं, जरूर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये तो न्यूमेरिकल का पार्ट वन है, कल लेकर आएंगे पार्ट टू, तब जाकर पार्ट टू से रिलेटेड भी आप न्यूमेरिकल बना सकते। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।